गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय फैमिली माय लाइफलाइन। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरे स्कूल लाइफ की कुछ अच्छी कुछ खट्टी यादें। हम सबको अपना स्कूल लाइफ बहुत याद आते हैं। जब मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में थी तब मैंने होमवर्क किया था, बट मैं नोटबुक ले जाना भूल गई थी। तो हमारे एक मैसिक सर थे, उन्होंने मुझे नोटबुक नहीं ले जाने के कारण 100 times अप एंड डाउन करवाया था। उस दिन अप एंड डाउन करके मैं घर आई, बट धीरे धीरे मैं चल नहीं पा रही थी। पाँव में बहुत दर्द था, रात तक तो बिल्कुल ही चलने नहीं हो रहा था। बाबा ने मुझे उठाकर बाथरूम ले गए, लेकर आए। घर वालों ने बहुत पूछा बट मैंने कुछ बोला नहीं। दो दिन के बाद जब घर वाले भी बहुत परेशान हो गए कि सडनली ऐसा कैसा हो गया कि मैं बिल्कुल बैठ नहीं पा रही हूँ, उठ नहीं पा रही हूँ, बट दो दिन बाद मैंने घर वालों को बोला कि मुझे ऐसा पनिशमेंट दिया गया, तो बाबा बहुत गुस्सा हो गए। फिर स्कूल जाकर कंप्लेन भी किया था प्रिंसिपल सर को। मेरी छोटी बहन और मैं सेम ही स्कूल में थे, तो मेरे बाबा दो तीन बार हम दोनों के कारण कंप्लेन करने गए थे स्कूल में टीचर्स रूम के बारे में प्रिंसिपल सर से। कभी कभी जरूरी हो जाता है कंप्लेन करना, क्योंकि जब टीचर्स बहुत ही रूड और हार्श वर्ड्स बोलते हैं या फिर पनिश करते हैं बिना मतलब के, तो फिर बाबा को सहन नहीं होता था, वो जाके कंप्लेन करते थे। मैं भी कई बार अपने बच्चों को के लिए स्कूल में कंप्लेन करने गई थी। और एक बात मुझे बहुत ही अच्छे से याद है, ये मेरी एक बहुत ही अच्छी सी याद है। जब मैं 7th standard में थी तब मुझे गर्ल्स ग्रुप का हाउस प्रीफेक्ट बना दिया गया था। ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक्चुअली 8th, 9th, 10th के स्टूडेंट को ही प्रीफेक्ट बनाया जाता है, बट मेरे ऊपर कोई भी गर्ल्स स्टूडेंट सैफरन हाउस के नहीं थे, तो मैं 7th में थी तो मुझे बना दिया गया था। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और एक बात मुझे अच्छी तरह से याद है, जब हम 9th standard में थे तो टीचर्स डे 9th वाले ही मनाते थे, सेलिब्रेट करते थे। टीचर्स को ट्रीट देना पड़ता था, तो हम लोगों ने पैसे कंट्रीब्यूट करके पूरी सब्जी सब हम लोगों ने बनाया था। लड़कों ने तो कुछ ऑर्डर भी दिए थे, हम लोगों ने खुद ही सब मिलके बनाए थे खाना। और टीचर्स भी बहुत खुश हो गए, हम लोगों ने इतनी अच्छी तरीके से इतने ग्रैंड वे से टीचर्स डे सेलिब्रेट किया था। सारे टीचर्स तो नहीं, बट मैं कुछ टीचर्स बोल सकती हूँ जो मेरे बहुत ही फेवरेट थे। सबसे ज्यादा याद आते हैं वो पल जब गेम्स पीरियड होता था और हम सारे फ्रेंड्स मिलके डॉज बॉल, हाइड एंड सीक या कबड्डी खेलते थे। और सबसे अच्छा वो पल होता था जब हम लंच ब्रेक में सारे फ्रेंड्स एक साथ बैठ के टिफिन शेयर करके खाते थे। और एक बात मैं कैसे भूल सकती हूँ, हमारा वो 15th August, 26th January का परेड। 15 to 20 days पहले से ही हमारा परेड प्रैक्टिस शुरू हो जाता था। हमारे स्कूल ओवर होने के बाद हम परेड प्रैक्टिस करते थे, और फाइनल डे पे यानी कि 15 अगस्त या 26 जनवरी को हम परेड ग्राउंड में सारे हमारे शहर के स्कूल्स वहाँ एक साथ हम परेड करते थे। उसके बाद परेड ग्राउंड से हम फिर स्कूल हमको ले लाया जाता था, वहाँ फिर फंक्शंस होते थे, उसमें भी बहुत मजा करते थे। ब्रजनगर में हमारा शिक्षा निकेतन स्कूल के कुछ फ्रेंड्स को मैं बहुत मिस करती हूँ। एक थी पल्लवी धानेकर, उसको मैं FB में भी बहुत ढूंढी बट वो मिली नहीं। उसका वो जब शायद 4th में थी तब वो चली गई, क्योंकि उसके पापा का ट्रांसफर हो गया था। उन लोग 3 बहनें थी और पल्लवी सबसे बड़ी थी। और एक मेरी फ्रेंड थी अंजू गुप्ता, वो शायद 8th में चली गई, उसके पापा का भी ट्रांसफर हो गया था। उसकी एक बड़ी दीदी थी मीता गुप्ता। और एक फ्रेंड को मैं मिस करती हूँ, संगीता सिंह। इनको मैं बहुत ढूंढने की कोशिश की बट नहीं मिले। अगर कोई इन लोग से कुछ कांटेक्ट है तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे प्लीज। हमारा बैच 1986 में 10th पास आउट किया था। हम सभी अपने स्कूल जीवन में वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि किसी का भी ये सबसे लापरवाह और सुखद जीवन होता है। बच्चों को अपने स्कूली जीवन को पूरी तरह जीना चाहिए, पूरा आनंद उठाना चाहिए, क्योंकि जब वो बड़े हो जाएंगे तो ऐसा लापरवाह जीवन जी नहीं पाएंगे।
ये पल पूरी जिंदगी याद रहती है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं लॉकडाउन के वजह से, पूरा दिन घर में ही रहना पड़ता है, ये उनके साथ बहुत ही बुरा हो रहा है। आई होप कि सब जल्दी ठीक हो जाए और बच्चे जल्द से जल्द स्कूल जा पाए और एक नॉर्मल सी लाइफ जी सके। A few moments later. आज मैं फ्रेंड्स आप लोगों से सूफियानी बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, होप आप लोग को अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स मैंने यहाँ 1 kg चिकन लिया है, अब मैं सूफियानी बिरयानी का मैरिनेशन दिखा रही हूँ, मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ इसमें। पहले आप स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, उसके बाद मैं यहाँ 1 लेमन का जूस यहाँ करके रखी हूँ, ये लेमन जूस मैं डाल रही हूँ। यहाँ 1 कप दही मैं फेंट के रखी हूँ, ये दही डाल रही हूँ 1 कप। यहाँ मैं 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्चे पेस्ट करके रखा है, मैं 1.5 इंच का अदरक ली हूँ, 12-13 कलियाँ ऐसा लहसुन की ली हूँ और 4 हरी मिर्चें ली हूँ। तो ये भी, ये सूफियानी बिरयानी एक्चुअली वाइट होता है, इसको वाइट बिरयानी भी बोलते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे सिर्फ हरी मिर्च का ही ये होगा और पेपर पाउडर का, और बाकी आप हल्दी या रेड चिली पाउडर ये सब ना दें। इसमें मैं 1 मुट्ठी पुदीना का पत्ता दे रही हूँ और 1 मुट्ठी धनिया पत्ता दे रही हूँ, ये भी मैरिनेशन में ही डाल दें, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद मैं ये सब अच्छे से मैरिनेट करके मैं फ्रीज में रख दूँगी। ये चिकन आप मिनिमम 1 या 2 घंटा मैरिनेट करके रखने से अच्छा होगा, चिकन मैरिनेट करने से आपको टाइम नहीं है तो मत कीजिए, बट अगर ये सेम प्रोसेस में आप मटन की भी सूफियानी बिरयानी बना सकते हैं, अगर मटन का बना रहे हैं तो फिर ओवरनाइट करके रख दे तो बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाता है मटन जल्दी, ऐसे ही तो सेम प्रोसेस में आप मटन की भी सूफियानी बिरयानी बना सकते हैं। अभी मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी मैरिनेशन के लिए। मैंने यहाँ 4 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, अब मैं इसमें ये शाही जीरा, ये दालचीनी, गोल्ड मिर्च, लौंग और ये जावित्री और ये छोटी इलायची मैं इसमें डाल रही हूँ, अगर बड़ी इलायची है तो आप ये बड़ी इलायची 1 डाल सकते हैं। अब इसमें मैं ये बड़ा ऐसा थिनली स्लाइस्ड अनियन डाल रही हूँ, इसको ज्यादा गोल्डन नहीं करना है, जस्ट ये व्हाइट बिरयानी है तो इसको सिर्फ थोड़ा सा भून लेंगे पिंक होने तक, ज्यादा नहीं भूनेंगे, पिंक होने तक ये भून लेंगे। अनियन फ्राई कर ली हूँ पिंक तक, ज्यादा गोल्डन फ्राई मत कीजिए, और अभी मैं ये मैरिनेटेड चिकन डाल रही हूँ इसमें, और ये मैं 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम में अच्छे से भून लूंगी। मैं यहाँ चावल बासमती राइस 25 मिनट्स ऐसा सोक करके रखी हूँ अच्छे से धो के, और इधर मैंने पानी बॉईल करने बैठा है। मैंने यहाँ 4 कप्स राइस लिया है, तो उसी कप से मैंने यहाँ 14 कप्स पानी लिया है, और इसमें मैंने तेजपत्ता और दालचीनी, इलायची और लौंग को इसमें डाला है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून नमक डाल रही हूँ और 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। और इसमें मैं 1/2 लेमन जूस डाल रही हूँ, तो ये खिला खिला रहता है चावल, तो आप पानी में बॉईल आने के बाद हम चावल को डालेंगे। फ्रेंड्स मैं 5 से 6 मिनट तक मैंने ये हाई फ्लेम में भून लिया है,
अब इसको मैं मीडियम फ्लेम में 5-6 मिनट फिर से ढक के पकाऊंगी। और इधर मेरा पानी बॉईल हो गया है, अब इसमें मैं ये सोक्ड बासमती राइस दूंगी। और इसको भी 5-6 मिनट तक मैं हाई फ्लेम में इसको पका लूंगी। चावल 60-70% होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी 5 मिनट के बाद। ये राइस मेरा 5 मिनट्स बॉईल हो गया है, 5-6 मिनट्स। बस ये आप देखें कि बस ये दो टुकड़े में टूट जाए, ये मेरा 60-70% राइस कुक हो गया है। तो इसको मैं अभी ऐसे छन्नी में मैं अभी इसका पानी सब निकाल लूंगी। फ्रेंड्स, मैंने ये 5-6 मिनट ढक के पकाया है, फिर हाई फ्लेम में 1-2 मिनट मैंने पानी को सुखाने के लिए, क्योंकि ये दही और चिकन से पानी छोड़ती है तो बहुत पानी, आपको अलग से पानी देने की जरूरत नहीं, ऐसे ही चिकन इसमें कुक हो जाता है, तो बहुत पानी था तो मैंने 1-2 मिनट तक हाई फ्लेम में फिर से इसको पकाया है। अब इसमें मैं 8-10 काजू पेस्ट इसमें डाल रही हूँ। और ये फ्रेश क्रीम, अगर आपको आपके पास घर में क्रीम है तो वो भी डाल सकते हैं। ये 3 चम्मच मैंने फ्रेश क्रीम डाला है। और फिर से ये अच्छे से मैं ये 1-2 मिनट ढक के फिर से पकाऊंगी। काजू पेस्ट और क्रीम डाल के मैंने ये 1-2 मिनट तक मैंने इसको पका लिया है। अब मैं गैस को ऑफ करूंगी और आपको लेयरिंग बताऊंगी। अभी मैं आपको लेयरिंग दिखाती हूँ। पहले मैं नीचे थोड़ा सा घी लगा लूंगी, क्योंकि फिर वो लगेगा नहीं और इसकी खुशबू भी अच्छी आती है। अब इसमें चावल को मैंने छान के ऐसे प्लेट में स्प्रेड करके रखा था, नहीं तो वो गर्माहट में कुक होने लगती है, चावल खिली रहती है ऐसा। तो अभी मैं चावल का पहला लेयर ऐसा डाल रही हूँ। अभी मैं चिकन का इसके ऊपर डाल रही हूँ। और इसमें मैं कुछ चम्मचे दूध डाल रही हूँ, क्योंकि वो चावल का कच्चापन चले जाएगा और चावल कुक हो जाएगा। हर लेयर में ऐसे मैं डाल के ऐसा दूध डाल रही हूँ। फिर से मैं इसमें चावल डाल दूंगी। फिर से मैं चिकन का लेयर डाल रही हूँ। अब फिर से मैं इसमें 3-4 चम्मच दूध डाल रही हूँ। बाकी के चावल भी अभी डाल रही हूँ। और इसके ऊपर फिर से दूध डाल के थोड़ा सा मैं इसमें घी भी डाल रही हूँ ऊपर। इसमें आप फ्राई करके काजू भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, मैंने नहीं डाला। और ऐसे ऊपर से मैं थोड़ा कोरिएंडर, चॉप्ड कोरिएंडर डाल रही हूँ। बस अब इसको आप दम पे लगाइए, मैं दिखाती हूँ मैं कैसे करती हूँ।
मैं यहाँ एक दो मिनट तक एक तवा गरम करने रखी हूँ, दो मिनट तक हाई फ्लेम में। अब मैं इसको लो में करके ये इसमें ऐसे रख दूंगी। लो फ्लेम में ये मैं 20-25 मिनट्स पकाऊंगी। तो ऐसे ढक्कन बंद करके मैंने ऐसा आटे का ऐसा लोई बना लिया है, इसको मैं चारों तरफ ऐसे ढक्कन के चारों तरफ ऐसे मैं बंद कर दूंगी। मैंने ऐसे आटे का लोई बना के ऐसा पूरा एक कर लिया है, तो ये बिल्कुल भी इंटैक्ट रहेगा, स्टीम नहीं निकलेगा। और ऊपर से मैं ये भी डाल रख रही हूँ। बस ये आप 20 से 25 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में ये पकाइए। मैंने ये 25 मिनट्स हो गया, अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ। लो फ्लेम में मैंने ये चढ़ाया था, अब मैं इसको खोल देती हूँ। मैं इसको ओपन कर रही हूँ। ये सुफियानी चिकन बिरयानी रेडी है, इसको व्हाइट बिरयानी भी बोला जाता है। ये बहुत ही इजी से इजीली बना सकते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन जाता है, बट बहुत ही टेस्टी बनता है। इसका आप सेम मटन से भी कर सकते हो, बट जब वो पानी निकलता है बहुत, आपको अलग से पानी देने की जरूरत नहीं है, तब आप 2-3 विसल्स आप मटन को ये करके प्रेशर में कुक करके आप सेम यही प्रोसेस से कर सकते हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स। बाय बाय।